हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सम स्टडी। आज हम इस वीडियो में भारत के इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इन पार्टियों के फॉर्मेशन, फुल फॉर्म, फाउंडर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और राज्यसभा में और लोकसभा में कौन कौन लीड करते हैं, इन सभी पॉइंट को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस स्लाइड पर हम भारत का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे, और यानी कि INC और INC का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसका निर्माण 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसका निर्माण A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी जी ने करा था, और इसके अब के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में INC के तरफ से लीड करते हैं, और गुलाम नबी आज़ाद जी राज्यसभा में INC के तरफ से लीड करते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद जी राज्यसभा से और अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से INC के तरफ से लीड करते हैं। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। तो A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब हम इस स्लाइड पर भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे, यानी कि BJP के बारे में। और BJP का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी है। इसका निर्माण 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि दाहिने इमेज पर हैं, और LK आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि बाईं तरफ के इमेज हैं, इनके द्वारा BJP का फॉर्मेशन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। JP नड्डा जी इसके चेयरमैन हैं, और लोकसभा में लीड नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और राज्यसभा में लीड TC गहलोत जी करते हैं। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। राज्यसभा में TC गहलोत, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा BJP के तरफ से लीड करा जाता है, और इसका निर्माण 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि BJP और INC का मुख्यालय, दोनों के मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब हम इस स्लाइड में साउथ इंडियन पार्टी यानी कि TDP के बारे में जानेंगे। ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि ये एक आंचलिक पॉलिटिकल पार्टी है। इसका फुल फॉर्म तेलुगु देशम पार्टी है, और इसके प्रेसिडेंट, लीडर और चेयरपर्सन N चंद्रबाबू नायडू हैं, इनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। और इसका निर्माण 28 मार्च 1982 को हुआ था NT रामाराव के द्वारा, इनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। और राज्यसभा में लीड K रविंद्र कुमार करते हैं, और लोकसभा में लीड RMN किंजरप्पू करते हैं। लोकसभा में RMN किंजरप्पू और K रविंद्रन कुमार राज्यसभा में TDP के तरफ से लीड करते हैं, और N चंद्रबाबू नायडू इसके मुख्य हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि तेलुगु देशम पार्टी का मुख्यालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। अब हम बात करेंगे CPM के ऊपर, और CPIM का फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, और इसका फॉर्मेशन EMS नंबूदिरिपाद ने करा था। बहुत सारे लोगों हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट है EMS नंबूदिरिपाद, इनका नाम आपको याद रखना है, जो कि इस इमेज पर हैं। और इसका निर्माण 7 नवंबर 1964 को हुआ था, और लोकसभा में लीड AM अरिफ जी करते हैं। सीताराम येचुरी जी राज्यसभा में इसका लीड करते हैं। तो राज्यसभा में सीताराम येचुरी और AM अरिफ जी, लोकसभा में CPIM के तरफ से लीड करते हैं। और 7 नवंबर 1964 को इसका निर्माण EMS नंबूदिरिपाद के द्वारा करा गया था। अगर हम JDU के बारे में बात करेंगे तो इसका निर्माण 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था, और इसका फुल फॉर्म जनता दल यूनाइटेड है। और ये लोकसभा की बात करेंगे तो सातवां सबसे बड़ा पार्टी है लोकसभा में, और इसका जो रूलिंग होता है वो भारत के पूर्वी राज्य और
उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश और बिहार में होता है, और इसको जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार और शरद यादव के द्वारा बनाया गया था 30 अक्टूबर 2003 में। लोकसभा में जेडीयू के तरफ से ललन सिंह लीड करते हैं और राज्यसभा में रामचंद्र प्रसाद जी लीड करते हैं और इसके प्रेसिडेंट नीतीश कुमार हैं। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अब हम इस स्लाइड में SAD के बारे में बात करेंगे। ये भारत का द्वितीय सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है और इसका फुल फॉर्म शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब में रूल करता है, और इसका निर्माण 14 दिसंबर 1920 को हुआ था रवि इंदर सिंह के द्वारा, यानी कि रवि इंदर सिंह ने इस दल को बनाया था। और इसके अब के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल हैं और लोकसभा में लीड हरसिमरत सिंह बादल करते हैं, और इसका हेडक्वार्टर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। तो लोकसभा में लीड करते हैं हरसिमरत सिंह बादल और राज्यसभा में नरेश गुजरल के द्वारा शिरोमणि अकाली दल से ये लीड करते हैं। नरेश गुजरल, इनके नाम आपको याद रखना है, और इसके प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल है। अब हम बात करते हैं AIAKMD रीजनल पार्टी, जो कि तेलंगाना की एक रीजनल पार्टी है, इसके बारे में, और इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ियन मनेतरा काज अगम पार्टी है, और इसका निर्माण 17 अक्टूबर 1972 का हुआ था M.G. रामाचंद्रन जी के द्वारा। तो इसके फाउंडर M.G. रामाचंद्रन जी हैं, और इसके अब के चेयरमैन एडपड़ी के पालन स्वामी, जो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा, और ओ पनीर सेल्वम के द्वारा। तो इसके चेयरमैन एडपड़ी के पालन स्वामी और ओ पनीर सेल्वम हैं। लोकसभा में लीड करते हैं AIKMD के तरफ से पी रविंद्रनाथन कुमार, इनको आपको याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, और राज्यसभा में से ए नवनीत कृष्णन लीड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसके कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।